गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। विश यू वेरी हैप्पी छोटी दिवाली। तो आज आप सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वेल, हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आज आउटिंग के लिए निकल जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे टेम्पल, बिकॉज दिवाली है तो टेम्पल जाना बनता है। और सेकेंड फिर हम लोग जाएंगे, जब हम लोग जा ही रहे टेम्पल, तो उसके बाद हम लोग उंदावली केव्स, राइट? हाँ, उंदावली केव्स जाएंगे। तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगी कि कौन सा टेम्पल जा रहे हैं, उंदावली केव्स कैसी हैं, कि अगर आपको कभी जाना तो आप भी जा पाए। ओके, सो आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी छोटी दिवाली, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रितिका, आप क्या कहना चाहेंगी हमारी फैमिली से? हाय गाइस, हैप्पी छोटी दिवाली, मजे करो और क्रैकर्स मत फोड़ो। सर, नो टू पॉल्यूशन वाला बात है रितिका, करें अगर, क्योंकि मैं एनवायरमेंटल क्लब की मेंबर हूं। हां, क्योंकि रितिका एनवायरमेंटल क्लब की मेंबर है तो वो पटाखे नहीं फोड़ेंगी, और अगर इसने फोड़े तो मैं आपको इसका दिखाऊंगी वीडियो। ओके, तभी हम लोग आउट पास कर लेते हैं आगे। सब लोग ऐसे देखते ना, जब ब्लॉग बना तो थोड़ा शर्म आ जाती है, कभी कभी हंसी छूट जाती है। फाइन, जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो रितिका मैडम यहाँ पे आउट पास भर रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम लोग ऑटो से नहीं स्कूटी से जा रहे हैं, जिसमें मैं चुड़ैल बनने वाली की मोबाइल खोल के आई हूँ। रुतिका को स्कूटी चलानी नहीं आती, लेकिन आज वो चला रही है तो इसे मेरे को गिरा ना दे। तो गाइस, मैं रुतिका के पीछे बैठी हूँ और मैं सीरियसली क्रॉस योर फिंगर्स, बहुत डर लग रहा है। तो मैडम चला रही है, आती हूँ, भूतनी लग रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं वो देखी कर रही थी, इतना नीचे हुआ ना, वो आदत। तो अगर आपको है कि स्कूटी रेंट पे कैसे लेते हैं, अगर आपको कहीं आउटिंग के लिए जाना है तो बताइएगा, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स, मिल लेटर। तो गाइस, देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्लान। पहले हम लोग मंगलगिरी में खाना खाने वाले थे शर्मा ढाबा पे, तब हम लोग ने सोचा ठीक है वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फर्स्टली टेम्पल ही जाते थे, उसके बाद खाना पीना होगा। बोला पाते मुझे भूख लगी थी, पर थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। बाय। तो गाइस, हम लोग मंदिर से निकल चुके, मैं मंदिर में नहीं बना पाई क्योंकि मंदिर में फोन अलाउ नहीं था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांधीनगर, विजय वाड़ा गांधीनगर, वहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाएंगे पहले। एंड सेकेंडली, मेरा मंदिर में ब्लॉग बनाने का मतलब है, उसमें अलाउड नहीं था। तो अभी हम लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में, इस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग गांधीनगर विजय वाड़ा जा रहे हैं। तो गांधीनगर में काफ़ी अच्छी मार्केट्स भी हैं, काफ़ी अच्छा है, जो भी शॉपिंग करनी हो, कुछ लेना हो, खरीदना हो, तो आप गांधीनगर विजय वाड़ा आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो एट लास्ट हमको रेस्टोरेंट मिल जाता है, पंजाबी ढाबा, चलते हैं अंदर। तो रितिका काफी फोकस से देख रही है, इतना फोकस तो उन्होंने कभी स्टडीज में भी नहीं करा। रितिका खाने में इतना ध्यान मत दे। तो काफी सोचने के बाद हम लोगों ने मंगवाई कढ़ाई पनीर, दाल तड़का एंड तंदूरी रोटी। शाम के 4 बज चुके हैं एंड हम लोग अभी रेस्टोरेंट से निकले हैं, एंड अभी हम पीवीपी मॉल जा रहे हैं। अब पता नहीं उंदावली केव्स हम कब पहुंचेंगे, कब जाएंगे, या फिर वो वाला प्लान कैंसिल हो जाता है। बने रहिए मेरे साथ एंड जरूर बताइए कि आप लोग अपनी छोटी दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। तो आगे का व्लॉग मैंने पार्ट 2 में ऐड कर दिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हम उंदावली केव्स जाते हैं या नहीं जाते, या प्लान कैंसिल हो जाता है, तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।